नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी और मैं हूं आपके साथ चेल्सी सिंह। भारतीय युवक सचिन के प्यार में सरहद पार कर अवैध तरीके से पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई सीमा हैदर मुश्किलों में गिरती जा रही। यूपी एटीएस ने उससे लगातार दूसरे दिन पूछताछ की है और कई सवालों के जवाब तलाश रही है। इसी बीच पता चला है कि सीमा हैदर का भाई और चाचा पाकिस्तान आर्मी में है। अब सीमा हैदर के पहले पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने दावा किया है कि सीमा का भाई पाकिस्तान आर्मी में है। गुलाम हैदर के मुताबिक सीमा का भाई कराची में पोस्टेड था, उसका नाम आसिफ है और फिलहाल आसिफ ने नौकरी छोड़ दी है। वहीं गुलाम हैदर ने भी ये बताया कि सीमा का चाचा गुलाम अकबर इस्लामाबाद में है और आर्मी में किसी बड़े पद पर है। सीमा के पहले पति ने ये भी दावा किया है कि वो आसिफ से मिल भी चुका है और दोनों की बातचीत भी होती है। बता दें कि एटीएस की पूछताछ में कई बड़ी जानकारी सामने आई है। पाकिस्तानी अथॉरिटी को सीमा ने एक एफिडेविट दिया था जिसमें उसने अपने माँ बाप को लालची बताया था। उसमें सीमा ने कहा था कि मेरे माँ बाप लालची हैं, इसलिए वो आवारा किस्म के लड़के से मेरी शादी करवा रहे हैं। सीमा ने उसमें ये भी बताया कि इसी वजह से वो घर से भाग गई थी और गुलाम हैदर से शादी रचाई। उसे लगा था कि गुलाम हैदर खुश रखेगा। वहां अभी तक की पूछताछ में एटीएस सीमा के दिए तमाम बयानों की पुष्टि करने की कोशिश कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके। बता दें कि सोमवार को एटीएस की नोएडा यूनिट ने सीमा सेक्टर 94 में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में सचिन मीणा और उसके पिता नेत्रपाल से लगभग 8 घंटे की लंबी पूछताछ की। इसके बाद मंगलवार को फिर एटीएस दफ्तर में सीमा हैदर से पूछताछ हो रही है और इसे एटीएस के एसएसपी लीड कर रहे हैं। एटीएस की पूछताछ के दौरान सीमा हैदर के पाकिस्तानी पहचान पत्र भी सवाल उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधी दस्ता एटीएस की टीम पहचान पत्र को लेकर भी सीमा हैदर से पूछताछ कर रही है। सीमा हैदर का पहचान पत्र 20 सितंबर 2022 को जारी किया गया था। अधिकारी सीमा हैदर से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतनी देरी से उसने पाकिस्तानी नागरिकता पहचान पत्र क्यों बनवाया, जबकि ऐसे पहचान पत्र जन्म के साथ ही बनवाए जाते हैं। पूछताछ के दौरान सीमा हैदर ने कई ऐसे खुलासे भी किए हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सीमा ने अधिकारियों को बताया कि सचिन पहला भारतीय नहीं है जिससे उसने बातचीत की थी। इससे पहले भी सीमा हैदर दिल्ली एनसीआर में कई युवकों से फोन और सोशल मीडिया के जरिए बात कर चुकी थी। एटीएस अधिकारियों को सीमा हैदर के कॉन्फिडेंट और रटे रटाए एक एक जैसे जवाबों से भी शंका हो रही है। वो बिना अटके जवाब दे रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब सीमा हैदर से राज उगलवाने के लिए एटीएस प्लान बी के तहत उससे सवाल जवाब करेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूट्यूब।